हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लुईस एसिड। सो वी हैव की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज लुईस एसिड। हमें पता है हमारा जो लुईस एसिड होती है वो कौन सी स्पीशीज होती है, स्पीशीज दैट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे, BF3, FeCl3, C2H4 एंड SiF4, हमारे पास ये सब है। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ यहाँ पे हमारे पास, अब हमारे पास अगर मैं देखू, पहले हम देखते हैं सी ऑप्शन, हमारे पास है BF3। ठीक है, BF3 और डी हमारे पास क्या है यहाँ पे, FeCl3। तो अगर मैं देखू तीनों में हमारे पास तीन तीन ग्रुप साथ में अटैच है, तो अगर बोरोन के साथ भी बी एफ और यहाँ पे एफ सी का भी सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अगर मैं तीनों में एक चीज देखू तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सिक्स इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे भी कितने होंगे, सिक्स इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो अगर मैं देखू इनमें तो यहाँ पे कम्प्लीट, अगर हमें ऑक्टेट कंप्लीट चाहिए होता है तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, एट इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। एट इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ऑक्टेट होता है, कंप्लीट ऑक्टेट होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सिक्स इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन कर सकता है, तो हमारा क्या हो गया, लुईस एसिड हो गया, लुईस एसिड हो गया। और अगर मैं यहाँ पे FeCl3 की बात करूँ तो इसमें भी ये भी कर सकता है, कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो अभी हमारा क्या हो गया, लुईस एसिड हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है बाकी, BF3 और FeCl, तो हमारे पास लुईस एसिड है। ठीक है, अब यहाँ पे C2H4 है और SiF4 है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे C2H4 और C2H4 और यहाँ पे किसकी बात करनी है, SiF4 की, तो अगर मैं देखूँ SiF4 हमारे पास जो है, सॉरी SiF4 हमारा A, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे पी क्या है, C2H4। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पे अगर SiF4 का मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो SiF और यहाँ पे F, तो अगर मैं इसके पास देखू तो यहाँ पे अगर इसके पास हम देखें तो यहाँ पे अगर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका कंप्लीट ऑक्टेट है, बट इसके पास क्या होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल क्या होता है, प्रेजेंट होता है, तो ये क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो हमारा क्या हो गया, तो इस एसिड हो गया। अब अगर मैं बात करूं हमारे पास यहाँ से C2H4 की, तो जो हमारा C2H4 होता है उसमें क्या होता है, सी डबल बॉन्ड C H2 और यहाँ पे H2। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखू कार्बन के अराउंड, तो यहाँ पे H ऐसे अगर मैं बना लू, तो अगर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 ऐसे ही यहाँ पे, तो हर कार्बन के अराउंड यहाँ पे क्या है, 8 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4 4 उसके होते हैं, और यहाँ पे कंप्लीट है उसका ऑक्टेट, ऑक्टेट यहाँ पे क्या है, कंप्लीट है। देखो ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट होने चाहिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे अगर मैं देखू तो ये देखो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे फिर ये पूरा कंप्लीट अगर मैं काउंट करूँ ये वाला पूरा, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, तो ये पूरा बना रहा है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं ही। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कंप्लीट ऑक्टेट है, कंप्लीट ऑक्टेट, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, लुईस एसिड नहीं है, ये हमारे पास क्या हुआ, लुईस एसिड नहीं है, ये हमारे पास लुईस एसिड नहीं है यहाँ से C2H4। तो अगर मैं ऑप्शन देखूँ तो हमारे पास हमें क्या बताना था, हमें ये बताना था कि हमारे पास कौन सा लुईस एसिड नहीं है, हमारे पास यहाँ से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, C2H4 विच इज बी। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।